डोरबेल से पहले दरवाजा खोल दिया तुमने। आपके कदमों की आवाज सुनी। हैरत है कि मेरे कदमों की आवाज तुम्हारे जहन में महफूज हो गई। सच्ची मोहब्बत करने वाले महबूब की खुशबू सूंघ लेते हैं। ये तो फिर आपके कदमों की आवाज थी। समीर, आपको क्यों मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा? आप मेरा क्यों एतबार नहीं कर रहे? मैं जो आपसे कह रही हूं, आप समीर, समीर आप क्यों शक कर रहे हैं? मैं सो रही थी। अच्छा, बाहर ही बैठी हुई थी? अल्लाह का वास्ते मुझ पे मत इतना शक करें कि मुझे खुद से घिन आने लगे। शक करना नहीं चाहता, अगर फिर भी मशकूक होने लगता हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत की है। मोहब्बत तो मैंने भी की थी। आपकी ये खामोशी मुझे अंदर ही अंदर मार रही है। कुछ तो कहे। और मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है। समीर, आपकी ये खामोशी, ये बेतनाई, ये अजियत बहुत ज्यादती है। दम घुट रहा है मेरा। अल्लाह का वास्ता है, कुछ तो कहे। मर तो मैं भी रहा हूं। समीर, मुझे इतनी अजियत क्यों मिल रही है? मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर तुम्हारा माजी है, तुम्हारा मशकूक किरदार है, और तुम पर पड़ती लोगों की गलत निगाहें, गंदे जुमले, क्या क्या बताऊं? आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं समीर? जो सजा मैं भुगत रहा हूं तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है। आज मुझे हर बात का जवाब चाहिए। अपनी खामोशी तोड़नी होगी आपको। क्यों मुझसे झूठी मोहब्बत की? क्यों मुझे इज्जत देने के इतने बड़े बड़े दावे किए, इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए? कह दो ना कि तुम भी वही हो, रिवायती कमजोर मर्द। हाँ हूं, हूं मैं रिवायती कमजोर मर्द। क्या करूं, इस माशरे से जुदा होके तो नहीं रह सकता ना मैं। हूं मैं एक रिवायती कमजोर मर्द। तो फिर क्यों मजबूत बनने की एक्टिंग कर रहे थे मेरे सामने? क्यों मजबूत मर्द का किरदार अपनाया हुआ था? मुझे ऐसी बेबस, लाचार, कैद में भड़बड़ाती हुई लड़की को अपने जान में फंसा रहे थे? जो समझना है समझो तो, मगर मैं क्या करूं? जब मैंने मजबूत मर्द बनने की कोशिश की, तुम्हारा माजी मेरे सामने आके खड़ा हो गया और जताता रहा मुझे कि मेरा ताल्लुक उसी माशरे से जिससे तुम्हारा